बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इमरान हैदर, माय रजिस्ट्रेशन नंबर 16 एंट्री 1050। आई एम स्टूडेंट ऑफ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, करंटली इनरोल्ड इन BSCS डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इट्स मास्टर। माय सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन इज द सब्जेक्ट नेम इज एडवांस डेटाबेस सिस्टम एंड द कोर्स कॉल्ड इज CSE 4075। माई टॉपिक रिगार्डिंग मिड टर्म एग्जाम इज इनहेरिटेंस ऑफ PSQL ऑब्जेक्ट्स and my teacher name is Ma'am Sara Masood. Bismillahirrahmanirrahim. My topic regarding midterm exam is inheritance for PLSQL objects. और थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो को हम देखें तो इसमें मेरा नाम इमरान हैदर है और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर इस 16 एंट्री 1050 है। मैं BSCS 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और सब्जेक्ट के अगर देखें तो ये एडवांस डेटाबेस सिस्टम है जिसका कोर्स कोड है 4075 और हमारे टीचर जो है मैम सारा मसूद। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट PLSQL ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस के इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट टाइप में कैसे इनहेरिटेंस काम करती है उसको देखेंगे। थर्ड, सुपर टाइप्स और सब टाइप्स में डिफरेंट क्या है ये चेक करेंगे एंड सुपर टाइप कैसे क्रिएट करनी है वो हम देखेंगे और सुपर टाइप के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने हैं उसको हम देखेंगे और फाइनल एंड नॉट फाइनल टाइप्स और मेथड्स में कैसे काम करती हैं उसका क्या डिफरेंस है उसको हम चेक करेंगे एंड स्पेशलाइज के वे में कैसे हम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को सब टाइप में डिफाइन कर सकते हैं उसको हम देखेंगे और एट्थ है कि हम फाइनल टाइप को नॉट फाइनल में कैसे चेंज करेंगे इसको हम कवर करेंगे आज की प्रेजेंटेशन में। PL स्टैंड फॉर है प्रोसीजर लैंग्वेज एंड SQL स्टैंड फॉर है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अब ये जो PLSQL इनहेरिटेंस है ये एक हमारे फैमिली ट्री की तरह काम करती है। जैसे हमारे सबसे पहले ग्रैंडफादर होते हैं जिनको आप सुपर टाइप कह रहे हैं और देन उनके आगे उनके उनका बेटा मतलब जो फादर, फिर उसके बाद उनके चाइल्ड एंड सो ऑन। जो ग्रैंडफादर के सुपर टाइप के नीचे जो क्लासेस आती हैं वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके डिफरेंट लेवल होते हैं, काफ़ी सारे लेवल होते हैं, बट हमेशा जो होता है कि आपका सुपर क्लास एक ही होती है। उसके आगे डिफरेंट लेवल पे चाइल्ड ऑब्जेक्ट उनसे कनेक्टेड होते हैं जो कि पेरेंट से ड्राइव किए गए होते हैं। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है PLSQL ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस इन SQL ऑब्जेक्ट टाइप्स। अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस एक टेक्निक है जिसमें सब टाइप एक वे में मीन स्टेप बाय स्टेप ऊपर मूव करते हुए सुपर टाइप से मिले हुए होते हैं। हम सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जब हम सब टाइप का सुपर टाइप के साथ रिलेशन बनाते हैं तो वो अपनी पेरेंट्स के एट्रीब्यूट मेथड को इनहेरिट कर लेते हैं खुद में, जस्ट लाइक हमारे फैमिली स्ट्रक्चर की तरह जिसमें DNA की वजह से पेरेंट्स और बच्चों में काफ़ी सारी ना हैबिट्स मतलब उनकी आदतें सेम होती हैं। और सुपर टाइप और सब टाइप में ये इनहेरिटेंस वाला सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। अगर आप कोई भी चेंजेस सुपर टाइप में करते हैं तो वह चेंजेस नीचे सब टाइप में या चाइल्ड क्लास में आपको वाजह तौर पर नज़र आती है। अगर कोई भी आप फंक्शन या कोई भी ऑब्जेक्ट उसका चेंज करते हैं तो वह नीचे भी वही चेंजेस इंप्लीमेंट होती है। एंड थर्ड है कि आपने अगर फर्ज करें कोई एग्जाम्पल आप ले रहे हैं इसमें आप कोई किसी भी चीज़ का बना सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट, जैसे कस्टमर का बनाएं फिर आप उस पर मज़ीद ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसकी कस्टमर की भी कई आगे ना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक कस्टमर किस टाइप का है, कौन सा है, फिर उस पर डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आप उसकी सब क्लासेस बना सकते हैं। बट ये कि उसकी हम पेरेंट जो सुपर क्लास हो एक ही कस्टमर ही होगी एंड चाइल्ड क्लासेस उसकी आप जितनी मर्जी चाहें अपने हिसाब से बना लें। हम देखेंगे ये सब टाइप एंड सुपर टाइप्स में क्या फ़र्क है। एक सब टाइप जो है वो सुपर टाइप से डायरेक्ट भी ड्राइव की जा सकती है या फिर थ्रू अदर सब टाइप के भी हम उसको जाके ड्राइव कर सकते हैं, मतलब उसका सुपर क्लास के साथ रिलेशन बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि सुपर टाइप के एक से ज़्यादा भी सब टाइप्स हो सकती हैं बट एक सब टाइप की या फिर डिफरेंट सब टाइप के एक से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं हो सकता, इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। जैसे एक डायग्राम है यहाँ पर आप देख रहे हैं, फर्स्ट पेरेंट है सुपर टाइप है ए, ए के आगे बी और फिर डी कनेक्टेड हैं सब टाइप्स और फिर पी के आगे है सी। अब सी का अगर पेरेंट देखेंगे वो सिर्फ एक बी है, हो सकता है कि सी इस सब टाइप के थ्रू कनेक्ट हो के ए से कनेक्ट हो रहा हो, ये भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें सिंगल इनहेरिटेंस ही होगी और बहुत सारे सब टाइप का हो सकता है कि ए हो सकता है कि बहुत सारे सब टाइप्स हो कनेक्टेड हो बट उनका पेरेंट जो होगा वो एक ही सुपर क्लास होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती।
पिछली स्लाइड में ना हमने सिंगल इनहेरिटेंस को मेंशन किया था। उसके मेंशन करने का मकसद यही था कि ओरेकल सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस को ही सपोर्ट करती है। इसका ये मकसद, इसका मतलब ये है कि एक सब टाइप का सिर्फ या मल्टीपल सब टाइप का सिर्फ एक ही पेरेंट्स हो सकता है, एक से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं हो सकता। और ये लिंक है जिस साइड से मैंने स्टडी किया और मैं मतलब ये प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप इस पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। सुपर टाइप कैसे बनानी है, हम इसके कोड को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और ये एक पर्सन टाइप है जिसकी हम सुपर टाइप बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने तीन एट्रीब्यूट्स लिए हों, आईडी नंबर, नेम, फोन। आईडी नंबर की हमने डाटा टाइप नंबर रखी हुई है, नेम की हमने डाटा टाइप वारचार रखी हुई है, और इसकी लेंथ 30 दी हुई है ब्रैकेट्स में। और तीसरा एट्रीब्यूट है जो फ़ोन, इसकी हमने डाटा टाइप वारचार दी हुई है और इसकी हमने लेंथ रखी हुई है 20। और एक हमने मेथड लिया हुआ है गेट आई डी नंबर के नाम से। ये जो नोट फाइनल आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब ये सुपर टाइप बन जाएगी ना, तो इसके आगे मजीद इसकी सब टाइप्स बना सकते हैं। अब हम इसके आगे जो भी सब टाइप बनाएंगे इस सुपर टाइप की, उसमें ये तीनों जो हमने एट्रीब्यूट्स लिए हुए हैं और एक जो हमने मेथड लिया है, ये तीनों उसमें भी असेसिबल होगा, ये मतलब उसमें भी होगी। अगर हम सुपर टाइप में आके कोई भी चेंजेस करते हैं, तो वो नीचे जितने भी सब टाइप्स उससे कनेक्टेड हैं, तो ये उनमें भी चेंजेस हो जाएगी। तो इसका यही होता है कि अगर हमने कोई भी सुपर टाइप में चेंज करते हैं, तो वो चेंजेस सारी नीचे असेसिबल होगी, मतलब सब में वो चेंजिंग अकर हो जाएगी। सुपर टाइप कैसे बनानी है वो हमने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया था। अब हम उसी सुपर टाइप के आगे सब टाइप्स को कैसे बनाना हम उसको देखेंगे। अब हमने पिछली स्लाइड में पर्सन टाइप की एक सुपर क्लास बनाई हुई थी, अब उसके आगे सब टाइप बनानी है, जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं एक स्टूडेंट टाइप के नाम से, हम यहाँ पे स्टूडेंट टाइप के नाम से उसकी एक सब क्लास बना रहे हैं। तो आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं सब टाइप्स, तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसका मैकेनिज्म ये होता है कि आपने जो सब टाइप बनानी है, क्रिएट का कीवर्ड आएगा टाइप, और फिर आप जो आप सब टाइप जिस नाम की बनाना चाहते हो वो लिखेंगे, अंडर का कीवर्ड आएगा, और फिर उसके बाद सुपर टाइप का नाम आ जाएगा। अंडर का कीवर्ड होता है ये सब टाइप को क्रिएट करने के लिए होता है, और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी जिसकी डेट टाइप नंबर है, और फिर ये वारचार मेजर की वारचार दी हुई है और इसकी लेंथ 30 दी हुई है। और नोट फाइनल का मतलब है कि जब ये मतलब बन जाएगी सब टाइप, इसके आगे मजीद इसकी सब टाइप्स बना सकते हैं, मतलब जो आगे इसकी सब टाइप बनेगी ये उसका फिर सुपर टाइप बन जाएगी। तो इसके आगे मजीद आप इस ट्री को इनहेंस कर सकते हैं, और इस तरह हम एक या एक से ज़्यादा जितने भी हम चाहें सब टाइप से एक सुपर टाइप की बना सकते हैं। अब हम फाइनल और नोट फाइनल का देखेंगे कि हमने कोड में इसको कोड में लिखा हुआ देखा था कि इसका मेजर रोल क्या होता है। जो हम कोई भी मेथड्स और फंक्शन बनाते हैं वो डेफिनेटली इनहेरिटेबल ही होते हैं, इसलिए उनको लिखते हैं ताकि वो नीचे इनहेरिट हो सके क्लासेस में। अब जो भी मेथड, जो भी हम फंक्शन या जो भी टाइप लिखते हैं, तो उसके लिए हम फाइनल नोट फाइनल ये डिसाइड करते हैं कि इनहेरिट है या फिर इनहेरिटेबल नहीं है। तो उसके लिए अगर ऑब्जेक्ट टाइप में हम देखें, तो कोड में अगर फाइनल या नोट फाइनल लिखा हो तो ये बताते हैं कि इनहेरिट हो सकता है या नहीं हो सकता। मेन अगर नोट फाइनल लिखा है सब टाइप्स कैन बी ड्राइव, कि अगर नोट फाइनल लिखा तो इसका मतलब है कि सब टाइप्स आगे मजीद ड्राइव हो सकती हैं। और अगर डिफ़ॉल्ट या फिर फाइनल लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट तौर पे, तो इसका मतलब है कि इस सब टाइप को आगे हम मजीद ड्राइव नहीं कर सकते, कि इससे आगे मजीद सब टाइप्स ड्राइव नहीं हो सकती। यही चीज़ मैथड्स में आ जाती है कि अगर मैथड्स में नोट फाइनल लिखा हो बाई डिफ़ॉल्ट, तो इसका मतलब है कि ये ओवरराइड हो सकता है। अगर आप उसमें फाइनल आप लिख लें, तो इसका मतलब है कि इसको आप मजीद इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, और ये सिर्फ अपनी ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये यहीं पे वर्क करेगा। सब टाइप के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये उसका एक स्पेशल वे है इधर हमारे पास, हम उसको डिस्कस करते हैं। कि आप इसके फर्स्ट ये है कि आप नए एट्रीब्यूट्स ना उसमें सब टाइप में डाल दो जो कि उसके पेरेंट्स क्लास में नहीं है। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर यह डिस्कस की गई है कि एक पर्सन टाइप की सुपर क्लास है, उसके आगे आपने उसकी सब क्लास बनाई हुई है स्टूडेंट टाइप, आप उसमें ना कुछ एट्रीब्यूट ऐड कर दो जो कि उसकी पेरेंट क्लास में नहीं है। इससे क्या होगा, ये उसमें कोई भी चेंजेस या कोई भी इश्यूज नहीं करेगा, ये सिर्फ इतना करेगा कि उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर देगा। सेकेंड जो हमारे पास टेक्निक है वो ये है कि आप टोटली न्यू मेथड्स ही आप उसमें लिख दो जो कि पेरेंट्स में है ही नहीं, आप वो सब टाइम में आओ सारे मेथड्स ही वो लिख दो जो कि पेरेंट टाइम में है ही नहीं है। और थर्ड जो हमारे पास टेक्निक आ जाती है वो ये है कि आप कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो है मेथड्स की सब टाइप में आप उसको चेंज कर दो और बाकियों को वही रहने दो। इस तरह ये होगा कि सुपर टाइप के
जो होगा उसका कोड की इम्प्लीमेंटेशन वो इससे चेंज डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी ये कि एक एलिप्स का ऑब्जेक्ट है वो डिफाइंड, वो मतलब फंक्शन होता है कैलकुलेट का, क्या आप उससे वो उसको डिफाइन ड्रा कर सकते हो। लेकिन हम उसकी अगर सब टाइप्स में आगे उसकी मज़ीद तो हम उसको डिफाइन कर दें कि एलिप्स टाइप है, सर्कल टाइप है, स्फीयर टाइप है। इससे क्या होगा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन है इसमें आके डिफरेंट हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी और वो ये इस लिहाज से वर्क करेगा। और नेक्स्ट ये कि अगर आप फाइनल टाइप को नोट फाइनल में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि आप अल्टर टाइप का कीवर्ड है ये आप लिखोगे और फिर उसके बाद आप अपनी पर्सनल टाइप सुपर क्लास को लिख के आगे उसकी फाइनल लिख देंगे, मतलब जो है और जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं उसके खुद ही आगे आपको चेंज कर देगा, मतलब फाइनल को नोट फाइनल में ही चेंज कर देगा। ये था मेरा टॉपिक, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल दिस स्लाइड्स। थैंक यू सो मच।